अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ हैदराबादी रेशे वाला दलिम बनाने की रेसिपी। और जब आप मेरे बताए हुए मेथड से बनाएंगे तो आप देखेंगे कितना परफेक्ट आपके दलिम में रेशा आया होगा। बहुत अच्छा भी बनता है ये और आसान भी है इसे बनाना। बस टाइम थोड़ा सा कंज्यूमिंग है बट रिज़ल्ट आउटस्टैंडिंग है। और तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। लेकिन मेरी हमर रिक्वेस्ट है, चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल रूबीज़ बेक्स को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि मेरी सारी लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं और हम देख लेते हैं दलिम बनाने के लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट की ज़रूरत होगी। सबसे पहले हमें चाहिए होंगे खिचड़ी के ये गेहूँ, इससे खिचड़ा भी बनाया जाता है। और दलिम बनाने के लिए इसमें दलिए का भी यूज़ होता है। अगर आपको ये गेहूँ नहीं मिल रहा है तो आप दलिए के साथ में भी दलिम बना सकते हो। 300 ग्राम हमने ये गेहूँ लिए और इसमें हम डालेंगे 100 ग्राम जौ। दलिया में बहुत अच्छा टेस्ट आता है जौ का। अब इसमें हम डाल देंगे 100 ग्राम चने की दाल। तीनों इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स करने के बाद ओवरनाइट भिगा देंगे। तो ये देखिए, हमने 3 से 4 पानी से अच्छे से वॉश करने के बाद और तीनों इंग्रेडिएंट को मैंने ओवरनाइट भिगा दिया था। और यहाँ पे देख सकते हो गेहूँ हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए। मैंने इसमें इतना पानी डाला था, हमारे तीनों ही इंग्रेडिएंट अच्छे से डीप हो गए थे। अगर आपके पास में टाइम कम है तो आप तेज़ गर्म पानी में 2 घंटे के लिए भी भिगा के रख सकते हो। तीनों ही इंग्रेडिएंट को अभी हम ट्रांसफ़र कर देंगे प्रेशर कुकर में और हम दलिम प्रेशर कुकर में बनाएंगे। प्रेशर कुकर में जल्दी ये तीनों ही इंग्रेडिएंट गल भी जाते हैं। और इसमें अभी हम पानी डाल देंगे तकरीबन 1.5 से 2 लीटर। और अब इसमें हम डालेंगे पाउडर मसाले। तो सबसे पहले हम डालेंगे इसमें नमक 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून डाल देंगे इसमें हल्दी का पाउडर। तो सिर्फ हम इसमें 2 ही इंग्रेडिएंट डालेंगे, अभी हम इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट नहीं डालेंगे। प्रेशर कुकर की अभी हम लीड लगा देंगे और हाई फ्लेम पे 3 से 4 इसमें हम प्रेशर आने देंगे, उसके बाद इसमें हम आगे के इंग्रेडिएंट डालेंगे। इतने हम दालों की भी तैयारी कर लेते हैं। हमने उड़द की दाल ली है इसमें 1/2 कप, और 1/2 कप हम लेंगे इसमें पीली मूँग की दाल, 1/2 कप हम इसमें लेंगे मसूर की दाल, 1/2 कप हम इसमें लेंगे चावल। आप कोई भी ब्रांड का चावल का इसमें यूज़ कर सकते हो। और जब 3 से 4 प्रेशर आ जाएगा हमारी चने की दाल और गेहूं में, उसके बाद हम ये चारों इंग्रेडिएंट डालेंगे। अगर एक ही साथ से हम रख देते हैं तो ये बहुत जल्दी कुक हो जाते हैं और प्रेशर कुकर में नीचे जल जाते हैं। तो ये चारों ही इंग्रेडिएंट रख देते हैं साइड में और एक खुशबूदार मसाला तैयार कर लेंगे, जिसमें हम लेंगे यहाँ पर 8 लौंग और एक छोटा सा मैंने इसमें जायफल का टुकड़ा लिया है यहाँ पर। और हमने इसमें 12 से 15 हमने इसमें काली मिर्ची लिए और 3 हम लेंगे इसमें बड़ी इलायची, 4 इसमें हम लेंगे सफ़ेद इलायची, 1.5 इंच का हमने लिया है इसमें दालचीनी का टुकड़ा। और इसके बाद हम लेंगे 1 टेबल स्पून ज़ीरा। तो इन सारे मसालों को हमें ड्राई रोस्ट नहीं करना है, फाइन हमें इन्हें मिक्सर जार में डाल के और इनका पाउडर बना लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा पाउडर भी ये तैयार हो गया। और अभी चलते हैं हम प्रेशर कुकर की तरफ। तो यहाँ पे देख सकते हो 3 से 4 इसमें प्रेशर आया, तो मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया था। इसमें जितना भी प्रेशर था खुद से रिलीज़ हो गया और गेहूँ चने की दाल हमारी यहाँ पर गल गए तकरीबन 60%। इस पॉइंट पर अब इसमें हम दालें भी ऐड कर देते हैं, दालें डाल के बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। और हम इसमें तकरीबन 500 ml के करीब पानी और ऐड कर देंगे और फ्लेम को अभी हाई कर देंगे। हाई फ्लेम पे हम अच्छे से मिक्स करने के बाद प्रेशर कुकर की लीड लगाएंगे। तो अभी हम प्रेशर कुकर की लीड लगा देंगे और तकरीबन 3 से 4 इसमें प्रेशर और आने देते हैं, उसके बाद हम इसे चेक करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो 3 से 4 प्रेशर आ गया और अभी हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारी गेहूँ और हमने इसमें दालें वगैरह ऐड करी थी, तो दालें भी हमारी बहुत अच्छे से अभी टेंडर हो गई। दलिम को अभी हम अच्छे से मैश करेंगे। दलिम को आप जितने अच्छे से मैश करेंगे इसमें इतना ही अच्छा टेस्ट आता है। और अभी मैं इसे ट्रांसफ़र कर लूँगी एक पतीली में, करके फिर हमें इसे अच्छे से मैश करना है। आप चाहे तो इसमें हैंड ब्लेंडर का भी यूज़ कर सकते हो, हैंड ब्लेंडर से इसे ब्लेंड कर सकते हो या फिर आप मिक्सर जार में डाल के और पीस भी सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पर मैशर का यूज़ कर रही हूँ। मैं मैशर से तकरीबन 10 मिनट इसे अच्छे से मैश कर लूँगी। जितने अच्छे से हम मैश करेंगे इसे हमारा दलिम इतना ही मज़ेदार बन के तैयार होता है।
और चलते हैं अभी हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पे देख सकते हो 1 किलोग्राम मैंने ये मटन का गोश्त लिया, 3 से 4 पानी से अच्छे से वॉश कर लिया। और इसमें अब हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 4 टेबल स्पून। आप चाहे तो चिकन के साथ में भी बना के रेडी कर सकते हो, सेम प्रोसेस रहता है। और हमने ये खुशबूदार मसाला रेडी करके रखा था, आधा इसी में डाल देंगे, आधा हम बचा लेंगे। आप चाहे तो बीफ़ के साथ में भी बना के रेडी कर सकते हो। हमने इसमें खुशबूदार मसाला भी ऐड कर दिया। और इसके बाद अब इसमें हम डालेंगे तकरीबन आधा कप दही, यानी 100 ग्राम हम इसमें दही डाल देंगे, फ्रेश दही लिया है हमने इसमें। नमक डाल देते हैं इसमें 1 टेबल स्पून। नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से भी इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हो। और 1.5 टेबल स्पून डाल देंगे हम इसमें कश्मीरी रेड चिली का पाउडर। 1.5 टेबल स्पून डाल देंगे इसमें हम धनिया का पाउडर। और 1 टेबल स्पून डाल देंगे इसमें हल्दी का पाउडर। अगर आपके पास में टाइम है तो आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके रख सकते हो गोश्त को। और अगर आपके पास में टाइम नहीं है तो डायरेक्टली आप इसे प्रेशर कुकर में डाल के प्याज और सारे मसाले, तो आप इसे अच्छे से कुक भी कर सकते हो। और हम 10 मिनट के लिए रख देंगे साइड में गोश्त को और चलते हैं फिर उसके बाद कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये प्रेशर कुकर लिया जिसमें मैंने 300 ग्राम ऑयल डाल दिया था। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया तो मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ली थी, इसको मैंने लॉन्ग शेप में कट कर लिया था। और इसे अभी हम अच्छे से गोल्डन फ्राई होने देते हैं प्याज को। तो यहाँ पे देख सकते हो तकरीबन मुझे 2 से 3 मिनट का टाइम लगा और प्याज हमारी अच्छे से गोल्डन फ्राई हो गई। तो प्याज को अभी हम निकाल लेंगे। तो इस पॉइंट पे आपको पूरी प्याज निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम आधी प्याज निकाल लेंगे, आधी प्याज रह देंगे प्रेशर कुकर में। और 10 मिनट के लिए हमने मैरिनेट करके रखा था गोश्त को, ये सारा गोश्त डाल देंगे हम प्रेशर कुकर में। और फ्राई प्याज के साथ में तकरीबन 1 मिनट अच्छे से इसे फ्राई कर लेंगे गोश्त को। प्याज के साथ हमने बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया गोश्त को। और अब इसमें हम पानी डाल देंगे, तो इतना पानी डाल दें आप इसमें तकरीबन 500 ml के करीब पानी डाल दें ताकि हमारा जो गोश्त है वो बहुत अच्छे से टेंडर हो जाए। और प्रेशर कुकर के अभी हम लीड लगा देंगे और 4 से 5 इसमें प्रेशर आने देंगे, उसके बाद हम इसे चेक करेंगे। तो आइए अभी हम चेक कर लेते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो 4 से 5 मैंने इसमें प्रेशर लिया। और प्रेशर आने के बाद यहाँ पे देख सकते हो इसमें जितना भी ऑयल वगैरह था अच्छे से सेपरेट हो गया। जितने अच्छे से आप इस पॉइंट पे गोश्त को भून लेंगे तो इतने ही अच्छे से इसमें जितनी भी कच्चे मसालों की स्मेल वगैरह है सब अच्छे से रिमूव हो जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो गोश्त हमारा बहुत अच्छे से टेंडर हो गया। दलीम के लिए हमें बिल्कुल इस तरह का 100% गोश्त गलावा होना चाहिए। इस तरीके से हमने गोश्त को गला के रेडी कर लिया। अब इसमें हम जितने भी हड्डी वगैरह है इसको अलग कर लेंगे। तो गोश्त को अभी हम अच्छे से श्रेड कर लेंगे क्योंकि दलीम के लिए हमें एकदम से अच्छे से इसमें श्रेड करना है गोश्त को। और इसमें हम जितनी भी हड्डी वगैरह आती जाएंगी इसे हम रिमूव करते जाएंगे। दलीम के लिए हमें एकदम रेशेदार ये गोश्त चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो तकरीबन मुझे 2 मिनट का टाइम लगा और गोश्त हमारा परफेक्ट यहाँ पे रेडी हो गया है, बिल्कुल रेशेदार ये गोश्त बन के हमारा रेडी हुआ। चलते हैं अभी हम दलीम की तरफ। और यहाँ पे देख सकते हो दलीम भी हमारा अच्छे से मैच हो गया था। इस पॉइंट पर हम इसमें डाल देंगे जितनी भी गोश्त की हमारी ग्रेवी थी सब इसी में ऐड कर देंगे। और हमने ये रेशेदार गोश्त रेडी करके रखा था ये भी इसी में ऐड कर देंगे। सारे इंग्रेडिएंट डालने के बाद हम अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। और आप चाहें तो इस पॉइंट पे 2 से 3 मिनट इसे घोट भी सकते हो। आप जितने अच्छे से घोटेंगे दलीम को आप देखेंगे इसमें इतने ही अच्छे आपके गोश्त के इसमें रेशे आए होंगे दलीम में। और मैं यहाँ पे तकरीबन इसे अभी 10 से 12 मिनट और अच्छे से इसे हम कुक करेंगे। फ्लेम को मीडियम टू हाई रखेंगे, मीडियम टू हाई रख के और इसे चलाते हुए घोटते हुए अच्छे से इसे कुक करेंगे। तो इस पॉइंट पे आपको थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत होती है दलीम को घोटने में या फिर मैश करने में, लेकिन इसका जो टेस्ट है ज़्यादा करके हम जब घोटते हैं दलीम को उसी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ पर देख सकते हो तकरीबन मुझे 20 से 25 मिनट हो गए लो फ्लेम पे, मैंने इसे अच्छे से कुक कर लिया। और अभी 2 मिनट फ्लेम को हाई कर देंगे, हाई फ्लेम पर 2 मिनट इसे और अच्छे से कुक करेंगे। और उसके बाद इसमें हम डालेंगे आगे के इंग्रेडिएंट।
तो यहाँ पे 2 मिनट हो गए और मैंने इस पॉइंट पे फ्लेम को ऑफ़ कर दिया। हमारा दलिम बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे बन के रेडी हो गया। मैंने इसमें आधा कप डाल दिया फ्रेश हरा धनिया, हमने फ्राई प्याज निकाली थी, फ्राई प्याज भी इसी के ऊपर ऐड कर देंगे। और जब आप दलिम को चला रहे हो तो नीचे से ऊपर तक अच्छे से चम्मच से चलाएं इसको, क्योंकि ये नीचे से बहुत जल्दी जल जाता है। अब हमने प्याज हरा धनिया सब इसमें ऐड कर दिया। इस तरह से हमारा दलिम बनके रेडी हो गया। अभी इसे हम सर्व कर लेंगे। और मैंने इस तरह से ये सर्व किया, इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ी सी, मैंने गोश्त के ऊपर की इसमें निकाली थी तरी, ये इसी के ऊपर डाल देंगे। पुदीना और हरा धनिया डाल देंगे इसके ऊपर और हम इसमें फ्राई प्याज भी डाल देंगे। फ्राई प्याज इस पर ज़रूर से डालें, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप इसमें थोड़ी सी हरी मिर्ची भी ऐड कर सकते हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और मैं इसमें काजू डालूंगी इसके ऊपर, आप चाहें तो इसके ऊपर ऐड कर सकते हो, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो, बस इससे लुक बहुत अच्छा आता है काजू से। तो मेरे बताए हुए मेथड से आप भी दलिम बनाइए, इंशाल्लाह आपका दलिम बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार होगा और बहुत मज़े का ये दलिम बनके तैयार होता है। तो उम्मीद करती हूँ दलिम की वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें और फैमिली फ्रेंड के साथ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। कॉमेंट करके मुझे ज़रूर से बताएँ आपका दलिम कैसा बना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।